guys, welcome back to my channel T3, that is Tan Detriment. I'm your friend Diksha. Well guys, Eid is like ahi gayi hai, and even though if it is a lockdown, who doesn't like to get ready? Aur yehi to hobby hota hai na. So yes, this is the makeup look that I have created for Eid. Aur agar aapko ye look pasand hai, to aage iska makeup tutorial bhi hai. So yes, without further ado, let's just get started with this video. मेकअप की शुरुआत मैं मॉइस्चराइज़र से करूंगी। मैं उसके लिए न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइज़र लिया है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है स्किन को प्रेप करने की बारी, तो उसके लिए मैंने मैक का प्रेप एंड प्राइम यूज़ किया है, और ये मेकअप का स्टे बढ़ाता है और एज अ प्राइमर भी यूज़ हो जाता है। अब मैं यहाँ पर कंसीलर लूँगी और उसको मैं अंडर आई और जहाँ जहाँ मुझे मार्क्स हैं वहाँ अप्लाई करूँगी एंड उसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इसी कंसीलर को मैं आईलेट्स के ऊपर भी लगाकर ब्लेंड करूंगी, सो दैट जब हम लोगों को आई शेडोज लगाने हो तो वो प्रॉपरली आईज के ऊपर सेट हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन, वो मैं अपने हाथ के पीछे लेकर सेम ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पर लगाकर एक बेस रेडी कर रही हूँ। फाउंडेशन को अपने चेहरे के साथ साथ अपने कान और गले पर भी लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका गला और कानों का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ही अलग दिखेगा, वेयर फेस बहुत ही अलग चमकेगा। अब आईब्रोज पर आते हैं। इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। मेरे ब्राउज का कलर डार्क ब्लैक है, सो मैं पहले तो ब्राउज को स्पूली की मदद से ब्रश कर रही हूँ और फिर लाइट एंड डार्क ब्राउन कलर दोनों को ब्रश में लेकर बहुत लाइट स्ट्रोक से आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ। वीडियो अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सोच रहे होगे कि दीक्षा ये टेपिंग क्यों, तो लेट मी टेल यू गाइस कि ये आई शेडो का अगर पॉइंटेड शेप चाहिए तो दिस इज द ट्रिक। उसके बाद यहाँ मैं दो आई शेडो पैलेट्स यूज कर रही हूँ, रिवॉल्यूशन एंड हुडा ब्यूटी। पहले रिवॉल्यूशन की पैलेट से मैं बेस कलर अपनी पूरी आईज पर लगाऊंगी और अच्छे से उसको ब्लेंड करूंगी। फिर हुडा ब्यूटी पैलेट से कोको कलर सिर्फ आईलेट्स पर लगाया और उसके बाद आउटर साइड पर मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है। ये गोल्डन सा कलर है बाय द नेम ब्लेस्ड। ये इतना ज्यादा पिगमेंटेड है कि इसको जस्ट बाय यूजिंग माय फिंगर मैं आईलेट्स के ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि ओकेजन ही कुछ ऐसा है और उसी टाइप का मेकअप सूट करेगा। जस्ट लुक एट द पिगमेंट्स यू गाइस, कितना पिगमेंटेड पैलेट है ये, आई लव इट। अब आईज के नीचे भी मैं सेम कलर्स को अप्लाई करूँगी सो दैट आईज बहुत ज़्यादा फीकी फीकी सी ना लगे बाई यूजिंग अ फ्लैट ब्रश। और उसके बाद मैं वाइट कलर का काजल यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ बाय मैक। और आई यूज़ वाइट कलर बिकॉज आई लाइक इट, वो आईज को बहुत ही बड़ा सा लुक देता है। ब्लैक आई फील इज नॉट इन सो मच ट्रेंड दीज डेज एंड इस लुक के साथ वाइट गोज रियली वेल।
आईज बिना मस्कारा के कंप्लीट कैसे लग सकती हैं? यहाँ मैं मेबलिन का सेंसेशनल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये मस्कारा लगाने के बाद यू डोंट फील लाइक कि आपकी लैशेस कुछ आर्टिफिशियल लैशेस आप अपनी आईज़ पर यूज़ करें। यू फील आपकी लैशेस खुद ही बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही हैं एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा एज वेल। आइस को कंप्लीट करने के बाद ही अब हम लोग आते हैं अपने गालों की तरफ और यहाँ पर मैं अपने फेस को शेप दूंगी ब्रॉन्ज़र की मदद से। ये ब्रॉन्ज़र मैं फ्रीडम प्रो का यूज़ कर रही हूँ और ब्रश की मदद से मैं अपने चीक्स पर एक स्कल्प्टेड शेप दूंगी जिसको हम लोग कॉन्टोरिंग बोलते हैं और यही कॉन्टोर मैं अपने फोरहेड पर भी करूँगी और अपनी जॉ लाइन पर भी थोड़ा सा शेप ले आऊँगी सो दैट फेस बहुत ही ज़्यादा वाइट ना दिखे और फेस पर भी कुछ टेक्सचर दिखे और यस दिस इज़ हाउ माय फेस लुक्स आफ्टर इट। ब्रॉन्ज़र के बाद बारी आती है ब्लश की। यहाँ मैं पैक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ये बेसिकली इसी तरीके से आते हैं एंड यूजिंग अ ब्रश मैं अपने चीक्स पर और अपनी नोज पर अपनी चिन पर ब्लश अप्लाई करूँगी बिकॉज़ आई लव ब्लश। मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, आई कैन लाइक। और हाँ, एक और चीज़, हम लोग कॉन्टोर लाइन और ब्लश को बहुत अच्छे से मर्ज भी करेंगे सो दैट अलग से एक बनी हुई लाइन ना दिखे, तो ब्लेंडिंग इज़ द की, उसको मत भूलिएगा। यहाँ मैं फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ लिपस्टिक जो लगभग हर लुक के साथ चली जाती है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। सबसे लास्ट में आता है हाइलाइटर। इसको मैं अपने चीक्स के ऊपर, आईब्रोज के जस्ट जो आपको नीचे का एरिया दिख रहा है वहाँ, अपनी नोज पर, अपने लिप्स पर, अपनी चिन पर और अपने फोरहेड पर इफ़ लगा तो आप लगा सकते हैं बिकॉज हाइलाइटर के बिना इट्स लाइक फेस लुक्स रियली डल। तो हम लोग डलनेस नहीं, बहुत ही ज़्यादा ग्लो दिखाएंगे एंड दिस इज़ द हाइलाइटर आई लव। और यहाँ मैंने अपने बालों की क्रिम्पिंग कर रखी है एंड दिस इज़ द लुक गाइस। आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो। सो या सो जब आप यहाँ तक देख ही लिया है तो येस आई विल शो यू गाइज वॉट आउटफिट आई वोर एंड आई होप आपको वो आउटफिट भी पसंद आया होगा। और नीचे कमेंट्स में अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कर लीजिएगा बिकॉज इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी।